हे फ्रेंड्स, आज आपको कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम किस प्रकार से फोटो एडिटिंग करेंगे। तो यह काफ़ी अमेजिंग पिक है। तो सो गाइज, आपको इस तरह का पिक बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इस टाइप के पोज में एक ठो फोटो शूट करवा लेना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कुछ इस टाइप से एक ठो फोटो शूट करवा लीजिएगा। एक ठो फोटो शूट करवाने के बाद आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ से आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस फोटो को आप जो मॉडल शूट करवाएंगे उसको आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। तो और हम जितने भी इस फोटो को बनाने में जितने भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज करेंगे वह सभी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो देखिए हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ देखिए प्लस का आइकन, इस पर क्लिक कर देंगे। ऑल फोटो पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ऑल फोटो पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास एक बैकग्राउंड है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके यह बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ टूल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको यहाँ रिसाइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और इस बैकग्राउंड को पहले हम रिसाइज कर लेते हैं। तो 3000 लिख के रिसाइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको बता देगा यह कितना रिसाइज हो सकता है। तो चलिए हम रिसाइज करके उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम रिसाइज कर चुके हैं। इसके बाद इधर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए ऐड फोटो का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और अपने उस मॉडल को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से अपने उस मॉडल को ऐड कर लेते हैं जो आप लोग फोटोशूट करवाए होंगे। तो इसको ऐड करने के बाद आपको सिंपली इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए कटआउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, साइज अपने हिसाब से रख के। इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको पहले इरेज कर लेना है, इसका बैकग्राउंड। तभी आप जितने अच्छे से यह बैकग्राउंड आप लोग इरेज करिएगा अपने फोटो का, उतने अच्छे से अपना फोटो आपका बनेगा फोटो। तो चलिए हम इरेज करके उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, आप लोग भी अच्छे से बैकग्राउंड इरेज करिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब इसे देखिए कैसे सेट करना है। तो उसी प्रकार से आप लोग भी सेट करिएगा। यहाँ पे लाएंगे कुछ इस टाइप से अपने मॉडल को, यहाँ देखिए कुछ अच्छे से एडजस्ट करेंगे। देखिए अपने फ़ोटो को हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखते रहिए। तो यहाँ पे अपने फ़ोटो को ले आएंगे। इसके बाद आपको सिंपली ऊपर देखिए यहाँ पे इरेज का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इरेज कर लेना है कुछ इस टाइप से, और आपका जो यह दिल है यहाँ जो वाइट कलर का, इसको छोड़कर उसके बाद रिस्टोर पे क्लिक करके यहाँ रिस्टोर कर लेंगे, अच्छे से करिएगा। तो चलिए हम करके उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब देखिए हम कितने अच्छे से अपना फोटो कर लिए, यहाँ पे दिल जो है इसको रिस्टोर कर लिए। उसके बाद आपको सिंपली राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। राइट के निशान पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक रोज का पीएनजी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से रोज है, यहाँ से ऐड कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसको लाएंगे। अब देखिए समझिएगा यहाँ आप लोग बढ़िया से, यहाँ तो इसको छोटा हम कर लेंगे कुछ इस टाइप से। यहाँ पे लाने के बाद आपको यहाँ देखिए ऊपर में लेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट 2-3 कर लेंगे, जिससे गुलदस्ता बन जाए। तो चलिए हम दिखाते हैं आप सभी को, यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद इसको पहले हम डाउन रखते हैं, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, जूम करेंगे, यहाँ से इसको भी यहाँ से इसे छोटा कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, इसको भी डाउन कर लेंगे। तो चलिए डाउन कर दिए। इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक किया, इस पर क्लिक कर दिए। इसके बाद इसे अब यहाँ पे ले जाएंगे, अब इसे भी डाउन कर देंगे। ऐसे करते करते इसको फिर दूसरे पे जाएंगे और अब देखिए यहाँ पे जाएगा ये। तो देखिए हमारा फ़ोटो कितना प्रोफेशनल लगने लगा, यहाँ देखिए कितना अमेजिंग लगने लगा। आप लोग यहाँ रोज सेट कर लिए होंगे अच्छे से समझ के। इसके बाद आपको सिंपली मेरे पास एक स्मोक का पीएनजी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्मोक का पीएनजी अब ऐड करते हैं। यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक किए और अपने स्मोक पीएनजी को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ पर लाना है। तो चलिए यहाँ पर ले आए हैं, इसे और बड़ा हम कर लेते हैं, इस टाइप से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ डाउन कर देंगे, इसको डाउन करते जाएंगे। देखिए हमारा बैग चला गया जो स्मोक का पीएनजी था, तो हमारा यह बैग चला गया और देखिए कितना प्रोफेशनल हमारा फोटो लगा है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ टेक्स्ट का यहाँ पर ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बड़े अक्षरों में रोज लिख देंगे। चलिए हम लिख देते हैं, तो देखिए हमारा लिखा चुका है। इसके बाद यहाँ सिंपली राइट निशान, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से इसका पहले हम चेंज करेंगे फॉन्ट। तो इधर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए बहुत सारा फॉन्ट है, तो आपको हम जो बताएंगे वही फॉन्ट रखिएगा। देखिए यहाँ पर यह फॉन्ट है ट्रिम्यूनिट कुछ इस नाम से, कॉन्ड। यहाँ देखिए आप देख लीजिए अच्छे से, यह जो है इसी पे ले जाइएगा तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और इसे यहाँ पे ला के बीच में सेट कर दीजिएगा अच्छे से।
देखिए कुछ इस टाइप से। इस टाइप से सेट करने के बाद कलर्स का आइकन इस पर क्लिक करके ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और मेरे पास एक यहाँ कुछ येलो लाइट का एक मेरे पास पीएनजी है, यहाँ देखिए ऐड कर करके दिखाते हैं कुछ इस टाइप से होगा। इसको अब यहाँ से ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऊपर में लेयर का यहाँ पे ऑप्शन, इस पर क्लिक करके डाउन कर देंगे तो देखिए हमारा बैक चला गया रोज के पीछे। तो कितना प्रोफेशनल लग रहा है हमारा फोटो। यहाँ देखिए प्लस आइकन पे क्लिक करें, देखिए हमारा फोटो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिंपली राइट निशान पे क्लिक कर देंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे आप ही के तरह और लोग भी इस तरह का फोटो बना सके। इसके बाद सिंपली स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखिए ड्रॉ टूल का ऑप्शन है, इसे ड्रॉ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे तो यह आपकी कप का गैलरी में अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा।